ये है अवेन्या जो इसकी मोस्ट अवेटेड कार है। अवेन्या इलेक्ट्रिक में रहेगी, पूरी की पूरी यहाँ पे लाइट रहेगी जो कि अभी आजकल क्रेटा वगैरह में चल रही है। ये लाइट काफी अच्छा रहेगा, देखने में काफी अच्छी लग। अभी मैं आ चुका हूँ टाटा के पवेलियन में, और टाटा में आप देखेंगे एक तरफ स्टार्टिंग में इन्होंने सारे ट्रक वगैरह डिस्प्ले किए हुए हैं, दूसरी तरफ ये सारी कार है। वन बाई वन आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। तो टाटा में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हीकल जो हमारे सामने खड़ा है टाटा सियेरा, ये पहले भी लॉन्च हुई थी बट बहुत वो चली नहीं थी। अब टाटा सियेरा को ये ईवी के उसमें किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने नीचे ईवी मेंशन किया हुआ है। सो इस तरह का कुछ उसका लुक रहेगा जब लॉन्च करेंगे। फिलहाल तो अभी इन्होंने कॉन्सेप्ट में खड़ी की हुई है इस कार को। इस कॉन्सेप्ट कार में बेसिकली एक डिज़ाइन आपको दिखा दिया गया कि इस तरह की रहेगी। टाटा सियेरा के बाद अगर मैं बात करूँ, सामने टाटा सियेरा है, उसके बाद ये है हैरियर। जो हैरियर को इन्होंने लॉन्च करने वाले, ये ईवी में लॉन्च करेंगे बेसिकली। अभी हैरियर सिर्फ और सिर्फ डीजल वर्जन में आती है और ये जो है ईवी में लॉन्च करेंगे। इस हैरियर का जो डिज़ाइन है वो एकदम सेम लग रहा है, समय जो है हैरियर चल रही है उसी से एकदम मैच करता हुआ डिज़ाइन है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है पीछे की तरफ, बट ये भी कह सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बन के लॉन्च होगा उसमें क्या रहेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। बेसिकली हैरियर काफ़ी बल्की लगती है, फ्रंट से भी देखो या बैक से देखो हैरियर बहुत ज़्यादा बल्की लगती है। और अभी हैरियर में इस तरह की प्रॉपर लाइट नहीं आती जो कि इस बार ये दे रहे हैं। ये पूरी की पूरी यहाँ पे लाइट रहेगी जो कि अभी आजकल क्रेटा वगैरह में चल रही है। ये लाइट काफ़ी अच्छा रहेगा, देखने में काफ़ी अच्छी लगे है। अवेन्या जो इसकी मोस्ट अवेटेड कार है, अवेन्या इलेक्ट्रिक में अच्छा लुक है इसका। फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊँ अवेन्या को तो बहुत अच्छा है, कुछ भी टाइप का लोगो इसमें यहाँ पर ये बनता है। ये इसका है लोगो, ये टाटा की मोस्ट अवेटेड कार है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में देखने में इस तरह की लगेगी टाटा अवेन्या। ये भी 2025 तक लॉन्च करने का प्लान है। टाटा ने अपने पवेलियन में मोस्टली जो व्हीकल शो की हुई हैं वो ईवी की हैं। ये टियागो ईवी है, क्या आपको दिख जाएगा, एग्जिस्टिंग जो टियागो है सेम उसी को ईवी में बस शो किया हुआ है। काफी अच्छा क्रोम बेजिंग दी हुई है यहाँ पे ईवी का। हैरियर ईवी देखिए कैसी लग रही है। अरे सामने से एकदम हाथी लग रहा है, मतलब फॉर्च्यूनर का भी बाप है। बहुत तगड़ा लुक लग रहा है। आगे से इतनी ज्यादा ब्रॉड है और उसका जो मतलब जो LEDs वगैरह दी गई है ना वो उससे क्या नाम है हैरियर से मिलते जुलते हैं, हैरियर सफारी से। ये जो पीछे वाला लाइट का इन्होंने लगाया है रनिंग लाइट वो बहुत अच्छा लग रहा है। कर्व ना लॉन्च, लेकिन 2025 में लॉन्च होगी। अभी मेरे सामने टाटा कर्व और इसका जो लुक ये भी लॉन्च होगी 2025 तक। और ये ईवी होगा। सो इसमें 20 इंच का व्हील लिखा हुआ, और ये जो इसका लाइटिंग है या इंडिकेटर कह सकते हैं फ्यूचर में जब ये लॉन्च होगी तब एक्चुअल निकल के आएगा, बट अभी तो इन्होंने कॉन्सेप्ट में खड़ी की हुई है। और इस तरह का इन्होंने इंडिकेटर वगैरह दिया हुआ है। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। LED लैम्प वगैरह दिया हुआ, लाइटिंग यहाँ पे दिया रही है। फाइनली हम आ चुके हैं ऑटो एक्सपो के बेस्ट सेक्शन में, डार्क एडिशन ऑफ टाटा हैरियर एंड टाटा सफारी। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। डार्क की वेजिंग दी हुई है और उसके बाद ये है इसका अंदर से इंटीरियर। में टाटा का लोगो तक डार्क कर रखा है। हाँ, वो डार्क की वेजिंग दी हुई है। कितनी भी गाड़ी हो, ये दो गाड़ियाँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लोकल फॉर वोकल लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से अगर आप देखेंगे जो टाटा है ना वो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब गाड़ी में वो क्वालिटी देना। हाँ। ये जो सीट्स की बात हो, ये जो लेदर देते हैं पीसेस में, ये जो छोटा छोटा वो रहता ना तो वो प्रीमियम सेगमेंट का रखता है। डैशबोर्ड का क्वालिटी देखो। नहीं लोगो देखो, टाटा की एक वैल्यू है कि टाटा का यही है लोगो, तो उसको चेंज नहीं करेंगे वो। इसमें कमी क्या है लोगो में, पुराना है सिर्फ। क्योंकि जैसे महिंद्रा ने चेंज कर दिया, किया ने चेंज किया। हाँ। बहुत सारे लोगों ने चेंज किया ना, तो हाँ टाटा नहीं कर रहा है। सफारी के बाद अब हम बात करते हैं हैरियर की। तो हैरियर को भी डार्क एडिशन में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, शोकेस किया गया है।
और हैरियर तो वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट और काफ़ी बन है, लेकिन इसका जो डार्क एडिशन है वो भी सफारी से इंस्पायर करके यहाँ पे दिखाया गया है। रेड कलर की सीटिंग है और अंदर से काफ़ी लेविश इसका डैशबोर्ड और लुक दिया गया हुआ। अगर बाहर की बात करें तो लोग कहते हैं टाटा अपने में फ़ीचर्स नहीं देता है, तो यहाँ पे आपको एडास सिस्टम मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में, फ्रंट में भी यहाँ पर कैमरा इन्होंने दिया हुआ है। सो काफ़ी एडवांस और काफ़ी अच्छा लुक के साथ इसको फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करेंगे। अभी तक टाटा का सिर्फ डीजल वर्ज़न आता था इसमें हैरियर में, लेकिन अब टाटा इसमें पेट्रोल वर्जन भी लॉन्च करने वाली है और ईवी का तो आपने आगे देख ही लिया है वीडियो में, तो ईवी भी आने वाला है हैरियर का। सो फ्यूचर में अगर आप एक अच्छी कार खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और टाटा की हैरियर और सफारी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो।